हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ कंप्लीट लंच, और उसमें मैं बनाने वाली हूँ दाल, चावल, एक सब्जी, रोटी और थोड़ा रायता, और पापड़ के साथ उसको मैं सर्व करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहे तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा लंच बनाना। सो आज मैं लंच की थाली में सबसे पहले बनाने जा रही हूँ दाल। सो सबसे पहले मैं इसको तड़के वाली दाल बनाने वाली हूँ। तो मैं मसूर और इसमें डालूंगी आपकी अरबी, जिसे हम गडेरी कहते हैं, ये इस तरह से होती है। तो मैं इसका तड़का तैयार कर रही हूँ। तड़के में मैंने इसमें पहले लहसुन अदरक डाल दिया, इसके बाद में मैं इसमें साबुत धनिया डालूंगी थोड़ा सा, फिर इसमें मैं जीरा डालूंगी, साबुत जीरा। ये अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ प्याज। तो मैंने इसमें प्याज डाल दिया। अब प्याज को थोड़ा सा हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी। प्याज गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी। ये मैंने एक बड़ा साइज का टमाटर लिया है और इसको अच्छी तरह से भून दूंगी। अब टमाटर भी अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब इसमें मसाला ऐड करके इसे हिला लेंगे। देखिए, अब इसमें मैं पहाड़ी गडेरी ऐड करूंगी, जो अरबी, ये देखिए अरबी को मैंने इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है, क्योंकि हम सिट्टी लगाएंगे तो इतने बड़े बड़े पीसेस ही रखने पड़ते हैं, नहीं तो ये। तो अभी मैंने इसमें गडेरी ऐड कर दी है, देखिए। अब हम इसको हिला लेंगे। अब गडेरी ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी मसूर की दाल। अब हम इसमें पानी ऐड करके 4-5 सिटी आने तक इसको पका लेंगे। तो आज मैंने लंच की थाली में दाल तो रेडी कर दी है, और इसके बाद मैं अब रेडी करने वाली हूँ सब्जी, वो है आलू और फूलगोभी की। तो मैंने इसमें तेल गरम कर दिया है एक पैन में। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ, ये है अदरक और लहसुन, जिसको मैंने चॉप कर लिया था। अब प्याज, प्याज हल्के से भुनने के बाद मैं इसमें डालूंगी टमाटर। इसमें टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसमें मसाले डालूंगी। मसाले ऐड करने के बाद मैं इसको मैं अच्छी तरह से हिला लूंगी, जब तक कि हमारे टमाटर अच्छी तरह से मैश ना हो जाए, तब तक इनको कंटिन्यूअसली ऐसे हिलाते रहना। अब हमारे टमाटर मैश हो चुके हैं अच्छी तरह से। अब इसमें हम आलू ऐड करेंगे। इनको हिला लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें गोभी भी ऐड कर लेंगे। अब हम आलू गोभी को अब हमारी दाल बन गई है और सब्जी भी रेडी ही है, और इसके बाद मैं अब बनाने जा रही हूँ राइस। तो राइस में मैं चावल में जीरा राइस। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसमें मैं एक चम्मच घी डालूंगी, ऐड कर रही हूँ जीरा। इसके बाद हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। कुकर में चावल डालने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे,
और फिर उसके बाद इसको सिट्टी लगा के रख देंगे। फ्रेंड्स, हमारे दाल सब्जी और चावल बनके रेडी हैं। अब रोटी बनानी बाकी है, तो सबसे पहले मैं रायता बना लेती हूँ। रायते के लिए मैंने दही ले ली है। अब इस दही में मैं नॉर्मल से इसमें मैं प्याज डालूंगी और थोड़े से टमाटर, इसको मिला लेंगे प्याज टमाटर डालने के बाद। अब इसमें मैं ऐड करूंगी हरी मिर्ची। अब इसमें थोड़ा सा मैं हल्दी डालूंगी और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हरा धनिया, अब इसमें मैं हरा धनिया ऐड करूंगी। देखिए हमारा रायता भी बनके रेडी है। अब मैं फटाफट बेल लेती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी रोटी भी बिल्कुल मैंने डाल दी है इसमें तवे में। अब रोटी भी बिल्कुल बनके रेडी हो जाएंगी। बस अब हमारी रोटी भी बनके रेडी है। अब फ्रेंड्स, रोटी बनके भी रेडी हो गई। अब मैं सेम तवे में ये पापड़, इसको हल्का सा रोस्ट करती हूँ। जो अगर तल के खाना चाहते हैं तो उसको तेल में फ्राई कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छी तरह से रोस्ट हो गई है ना। सो फ्रेंड्स, हमारी लंच की थाली बनके रेडी है। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी थाली लग के रेडी है। लंच की थाली, लंच की थाली में है मेरा ये रायता, ये मेरे आलू और गोभी की सब्जी, ये है दाल जो मैंने गडेरी अरबी डाल के बना रखी है, और ये रोटियां, और ये जीरा राइस बनाई थी, और ये हमारे जो पापड़ मैंने रोस्ट किए थे। सो फ्रेंड्स, ये मेरी कंप्लीट थाली हो गई है तैयार। अब बस इसे खाते हैं और आप भी इसे जरूर बनाइए। ये मेरी बस इसे बनने में एक घंटा भी नहीं लगा, बहुत ही कम समय में बन गई तैयार थाली मेरी। कभी भी गेस्ट आए, कोई आए, तो फटाफट बन जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो और ये कंप्लीट थाली अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना ना भूलिए। और मैं आप सो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, एक और नए ब्लॉग के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।